29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 401 जो 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा का सफर तय करने वाली थी। लेकिन इस सफर में छिपा हुआ था एक ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जहां पर एक भूत ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची में हो चुकी है। और इस कहानी में इतने ट्विस्ट है ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा। मतलब शायद ये आज तक की सबसे ज्यादा मजेदार भूतिया कहानी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ बहुत मजा आने वाला है। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। इस घटना की शुरुआत होती है फ्लाइट नंबर 401 से। इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट से मियामी तक का सफर तय करना था। इसको बॉब लॉफ्ट नाम के पायलट उड़ा रहे थे जो 55 साल के थे और वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे। सब कुछ सही चल रहा था, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 2 घंटे का सफर तय किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। प्लेन में पायलट के साथ एक को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो थे। फ्लोरिडा जस्ट आने ही वाला था, लैंडिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर पहले लैंडिंग की प्रॉपर तैयारी होने है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। प्लेन की लैंडिंग कराने के लिए प्लेन का फ्रंट व्हील खोलना पड़ता है और उसके लिए को पायलट ने लीवर को डाउन किया। जब प्लेन का पहिया प्लेन से बाहर आ जाता है तो एक इंडिकेशन जलता है, लेकिन वो इंडिकेशन नहीं जला। तब को पायलट को लगा कि शायद इंडिकेटर में कोई खराबी आ गई होगी। उन्होंने इंडिकेटर को चेक करवाया डॉन इंजीनियर को बुलवाकर, लेकिन इंडिकेटर में कोई भी खराबी नहीं थी। उसके बाद प्लेन के पायलट बॉब ने खुद अपने हाथों से लीवर को कई बार ऑपरेट करके देखा, लेकिन फिर भी प्लेन का पहिया बाहर नहीं आया। उन सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि अगर बिना फ्रंट व्हील को बाहर किए प्लेन की लैंडिंग कराते हैं तो वो एक क्रैश लैंडिंग होगी, कई लोगों की जानें चली जाएंगी। फ्लोरिडा का एयरपोर्ट काफी पास था तो उन्होंने एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट से संपर्क किया। उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्लेन को हवा में 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ और फिर प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर मैन्युअली सब कुछ खुद चेक करो कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आई है। उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया और लग गए फ्रंट व्हील को चेक करने में। प्लेन का आगे का पहिया पूरी तरीके से जाम हो चुका था, वो खुल ही नहीं रहा था। और इसी दौरान ये लोग प्लेन की डायरेक्शन पे ध्यान देना भूल गए। प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और कुछ ही मिनटों बाद ऐसी नौबत आ गई कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन जमीन से टकराया या नहीं, ये तो एक ट्विस्ट है ही, लेकिन एक ट्विस्ट और भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के भी आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऐप जिसका नाम है क्विजी, जहाँ पर आप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन का यूज करके क्विज खेल सकते हो बिल्कुल फ्री में और जीत सकते हो 150 रुपए तक इंस्टेंटली। और इतना ही नहीं, IPL, बॉलीवुड मूवीज, रामायण और भी बहुत सारी क्विज आप खेल सकते हो और डेली पैसे कमा सकते हो। और हाँ, क्विजी को डाउनलोड करते ही आपको अपने वैलेट में 6 रुपए इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो क्विजी को डाउनलोड जरूर करना, जिसे डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लेन जमीन से टकराया या नहीं, ये तो एक ट्विस्ट है ही कहानी में, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और बस कुछ ही मिनट बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। इसमें करीब 101 पैसेंजर्स मर गए, 75 लोग जिंदा बचे और बाकी घायल हो गए। और साथ ही साथ प्लेन के पायलट बॉब, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो की वहीं पर मौत हो गई। अब आप बोलोगे भैया कहानी तो खत्म हो गई सैड एंडिंग के साथ, लेकिन ना यहाँ पर भूत आया ना इसने किसी की जान बचाई। तो रुको, जरा सब्र करो, भूत भी आएगा और जान भी बचाएगा। मैंने वीडियो का थंबनेल क्लिकबेट करने के लिए नहीं डाला। इसी फ्लाइट के एक साल बाद, मतलब साल 1973 में, ट्राई स्टार फ्लाइट नंबर 318 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। और यहाँ पर एक एयर होस्टेस थी, वो थी मैरी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, और फिर आया कहानी में ट्विस्ट। मैरी ने कुछ खाने का सामान गर्म करने के लिए ओवन खोला और भैया ओवन के अंदर उसे दिखा एक भूत का चेहरा, जलता हुआ एक चेहरा जो कुछ कहना चाह रहा था। मतलब पहले मैरी को तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि शायद ये कोई वहम है। उसने फिर से ओवन में जब देखा तो भाई वहां पर वाकई में एक भूतिया चेहरा था। वो भाग कर गई और वहां से एक फ्लाइट इंजीनियर को लेकर आई, बाकी स्टाफ भी आया। शुरू में तो सब मैरी पर हंस रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी आंखों से उस भूतिया चेहरे को ओवन में देखा, सबके होश उड़ गए। उस फ्लाइट का जो इंजीनियर था, उसने उस भूत के चेहरे को पहचान लिया और गैस करो वो कौन था। वो चेहरा था डॉन रिपो का, वही फ्लाइट इंजीनियर जो 401 नंबर की फ्लाइट में मर गया था। और वो कुछ कहना चाह रहा था, इन
लोगों ने जब उसकी बात उसके इशारों को ध्यान से सुना तो वो कहना चाह रहा था कि इस प्लेन में आग लगने वाली है। वो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसने जब बताया कि प्लेन में आग लगने वाली है तो किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन तभी अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। प्लेन में आग नहीं लगी लेकिन उसका एक इंजन खराब हो गया जिसके चलते वापस उस प्लेन को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतारना पड़ा। करीब एक महीने तक उस प्लेन की रिपेयरिंग की गई और जब टेस्टिंग के लिए उसको फिर से उड़ाया गया तो उसमें आग लग गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉन रिपो के भूत ने बताया था। और ये नजारा उस फ्लाइट नंबर 318 के फ्लाइट इंजीनियर ने खुद अपनी आंखों से देखा और उस समय उनको वो बात याद आई जो फ्लाइट नंबर 401 के भूत ने उनसे कही थी। और उसके बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मतलब पहले तो भूत ने अपना चेहरा दिखाकर इन लोगों को डायरेक्ट मैसेज दिया कि प्लेन को उतार लो, आग लगने वाली है। लेकिन जब इन लोगों ने बात नहीं मानी तो शायद भूत ने ही प्लेन का इंजन खराब कर दिया ताकि लोगों को मजबूरी में उतरना पड़े और कई लोगों की जान इस एक छोटे से इंसिडेंट ने बचा ली। इस इंसिडेंट पर मूवीज भी बनी है, कई वेब सीरीज भी बनी है और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन सिर्फ डॉन रिपो का ही भूत नहीं दिखा, फ्लाइट नंबर 318 में इस घटना से पहले एक और घटना हो चुकी है जो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। फ्लाइट नंबर 318 में ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट सफर कर रहे थे। उनके बाजू में एक बंदा बैठा था जिसने पायलट की ड्रेस पहन रखी थी। वो उससे बातें कर रहे थे अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई उनके बाजू में तो पायलट बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब उनकी नजर गई तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर पायलट यहां बैठा है तो प्लेन कौन उड़ा रहा है। वो डर गए। तुरंत उन्होंने उस बंदे की तरफ देखा तो वो था बॉब, वही बॉब द पायलट जो फ्लाइट नंबर 401 के एक्सीडेंट में मारा गया था। बॉब लॉफ्ट को मरे हुए करीब एक साल हो चुके थे और ये नजारा देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट डर गए और उठकर अपने केबिन की तरफ भागे। और जब वो अपने साथ बाकी के क्रू मेंबर को लेकर आए तो वहां पर कोई नहीं था। बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। ये घटना खुद ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने कई इंटरव्यूज में बताई है, तो ऑब्वियसली कोई बंदा इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा। तो इन पूरी घटनाओं से हमें कहीं ना कहीं इस बात का क्लू तो मिलता है कि कोई ऐसी दुनिया जरूर है जहां मरने के बाद भी लोग रहते हैं। वो हमारी दुनिया में आ सकते हैं, हमारी जान भी बचा सकते हैं या शायद हमारी जान ले भी सकते हैं। तो डॉन रिपो जो फ्लाइट इंजीनियर था काफी अच्छा भूत था क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए किया। क्योंकि भैया जब प्लेन खराब होता है तो आता है सुपरमैन बचाने के लिए, लेकिन ये कोई हॉलीवुड तो है नहीं, तो क्रिश आएगा प्लेन को बचाने के लिए, लेकिन ये कोई बॉलीवुड भी नहीं है, तो कौन आएगा? आएंगे भूत। मतलब समझ रहे हो, इस दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मतलब काल्पनिक कहानियों से भी ज्यादा रोमांचक होती हैं। तो कैसा लगा आपको फ्लाइट नंबर 401 और 318 का ये भूतिया किस्सा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, पता है तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब भी करके जाना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। तो चलो दोस्तों, वीडियो पूरी हो गई है और अब आपकी बारी है पैसे कमाने की। तो अभी जाओ और मेरा क्विज खेलो, डाउनलोड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विजी क्विजी। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।